जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी विजया एकादशी व्रत के बारे में। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर काम में विजय, सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे में माना जाता है कि जो कोई भी इंसान विजया एकादशी के दिन सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा व्रत करता है, उसे हर काम में सफलता प्राप्त होती है। विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना होती है। इस एकादशी का व्रत करने से भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। विजया एकादशी पर पूजा उपासना करने से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं को भी परास्त किया जा सकता है। अब मैं आपको सुनाऊंगी विजया एकादशी की व्रत कथा। तो आइए करते हैं कथा को प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दा लभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दा लभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्ता लभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें।
उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करे, एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करे, तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से देवताओं पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी विजय एकादशी की व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।